नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रेल का सफर तो किया ही होगा। ऐसे कमाल के पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन में बैठकर इस सुंदर दृश्य का लुत्फ उठाना सभी की इच्छा होती है। और हम आपको जो रेलवे रूट दिखाने वाले हैं, वो आपको खूबसूरत नज़ारों से तो रूबरू करवाएंगे ही, पर साथ साथ आपको दुनिया भर में मौजूद कुछ ऐसे खतरनाक और अजीबोगरीब रेलवे रूट्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस खूबसूरत सफर पर। नंबर एक, पेम्बन ब्रिज। दोस्तों, ये है हमारे भारत की शान, चेन्नई रामेश्वरम रेलवे ब्रिज, जिसे पेम्बन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1988 में इनॉग्रेट करा गया था। ये रेलवे ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को बनाने में 14 साल का समय लग गया था और ये आज भी बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर बना है, जिसके कारण समुद्र की लहरें इस ब्रिज को ढक लेती हैं। इसी वजह से ट्रेन ड्राइवर इस ब्रिज के ऊपर आते ही अपनी स्पीड बेहद कम कर लेते हैं। आपका इस जर्नी के बारे में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर दो, मेकलोंग रेलवे रूट। दोस्तों, ये है बेहद अजीब और अनोखा रेलवे रूट जो थाईलैंड में मौजूद है। इस रेलवे रूट की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ से ट्रेन एक फार्मर मार्केट से होकर निकलती है। ये ट्रेन हर दिन इस बिजी मार्केट से होकर गुजरती है और मार्केट में मौजूद दुकानदारों को अपनी दुकान समेटनी पड़ती है, जिससे ट्रेन बिना किसी रुकावट के वहाँ से निकल सके। ये ट्रेन एक दिन में इस मार्केट से 8 बार होकर गुजरती है। इस रेलवे रूट की वजह से ये जगह खासा पॉपुलर हो चुकी है। नंबर तीन, डेविल्स नोज। दोस्तों, हमारा अगला ट्रेन रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेल रूट्स में से एक है और इसको बनाने की हिस्ट्री भी काफी डरावनी है। असल में 19वीं सेंचुरी में इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने इस रेल मार्ग को बनाने का काम शुरू करवाया और 4000 मजदूरों ने यहां काम करना शुरू भी कर दिया, पर लैंडस्लाइड की वजह से वहां काम करने वाले काफी मजदूर मारे गए। हालांकि काफी समय बाद इस रेल रूट को तैयार कर लिया गया, पर आज भी ये रेल रूट काफी खतरनाक माना जाता है और यहाँ ओकेजनली लैंडस्लाइड तो होती ही रहती है। साथ ही इस रूट के भयानक मोड़ पैसेंजर्स को भयभीत कर देते हैं। नंबर चार, ट्रेन टू द क्लाउड्स। दोस्तों, ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से जानी जाने वाली ये ट्रेन अर्जेंटीना और चिली को जोड़ने का काम करती है और इस रेलवे रूट की शान बढ़ाता है सी लेवल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर बना यह रेल ब्रिज, जो दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी है, जिस पर से ट्रेन होकर गुजरती है। पैसेंजर्स इसमें बैठे बैठे पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे तो देखते ही हैं, पर साथ ही में इस रेलवे रूट में उन्हें 21 डार्क टनल्स और 29 ब्रिजेस भी एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, जिससे उनकी राइड यादगार बन जाती है। नंबर पाँच, वाहिद पास एंड यूकॉन रूट। दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे रूट्स की सूची में सबसे टॉप का रेलवे रूट, जो अलास्का और कनाडा के बीच बना हुआ है। इस रेलवे रूट को 1989 में बनाया गया था, पर अब यह केवल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इस 175 किलोमीटर लंबे रूट पर ट्रेन को कई खतरनाक मोड़ों, ऊंचे पहाड़ों, अंधेरों से भरी सुरंगों और लकड़ी से बने ब्रिजेस के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसमें बैठे पैसेंजर्स को भयभीत कर देता है। पर फिर भी कई सैलानी साल में कई बार इस राइड का मजा लेने आते हैं। कई बार इस रूट पर आपको कोहरे का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में मौजूद कुछ बेहद खतरनाक रेलवे रूट्स। इनमें से कौन सा रेलवे रूट आपको सबसे अजीब लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।